हेलो दोस्तों, DDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल पर दिल्ली से हाथरस जा रहे 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किया गया है। सोमवार रात पुलिस को गोपनीय सूत्रों से जानकारी हुई कि हाथरस में जातीय दंगे कराने के लिए दिल्ली के किसी प्रतिबंधित संगठन के लोग हाथरस जा रहे हैं। इसी सूचना पर यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल पर पुलिस ने इन 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और भड़काऊ साहित्य बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, पकड़े गए सभी आरोपी हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके सहयोगी सह संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। चर्चा है कि उक्त चारों लोग हाथरस कांड के बाद वहां जातीय हिंसा कराने के लिए दिल्ली से हाथरस पहुँच रहे थे। मथुरा से मोहन श्याम शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो।